हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम शायद 6-7 साल के बच्चे के लिए एक लोअर बनाएंगे। उसके लिए फैब्रिक लिया है। तो ये फैब्रिक मेरा 30 इंचज़ है, पूरा 1 मीटर भी नहीं है। तो इससे हम लोअर बनाएंगे, ठीक है। देखिए, हम इसको इस तरह से रख लेते हैं, ये डबल करके रख लिया है हमने इस तरह से। ये इसका अर्ज है, यहाँ से जो इसका है ये पूरा अर्ज है, और ये नीचे का इसका ये 30 इंचज़ है यहाँ से, ये पूरा यहाँ से, ठीक है। अब इसको हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे, वहाँ से लेके इधर से ऐसे। और ये हमारी, हम इसको लंबाई रखेंगे, और ये वाली हमारी लेंथ होगी, ठीक है। और इसको हम इस तरह से फोल्ड करके इस तरह से और फोल्ड कर लेंगे, ठीक है। ये 4 पार्ट्स में हो गया। अब इसका हम मेजरमेंट करेंगे। मेजरमेंट भी हम इसका बंद साइड से करेंगे। ये हमारा बाहर का होगा, ये हमारा आसन का साइड होगा, और ये बाहर का साइड होगा, ठीक है। इस तरह से रख के हम यहाँ से निशान लगाना शुरू करेंगे। पहली बार फैब्रिक को हम एकदम लेबल में लेके फोल्ड कर लेंगे 4 पार्ट्स में। उसके बाद हम इसके अंदर मेजरमेंट शुरू करेंगे। तो इसके अंदर हम, ये कमर है, जो कमर है हमने उसका 4th पार्ट लिया है यहाँ से। ये पूरा है, ये 10 10 है पूरा 4th पार्ट। तो इसको हम इस तरह से निशान लगा लेंगे। यहाँ से हम इलास्टिक के लिए छोड़ेंगे। इलास्टिक के लिए जो आपका जितना फैब्रिक है उसमें से बच्चे की लंबाई देख लेंगे, और उसके बाद हम इसका मेजरमेंट करेंगे। तो लंबाई के हिसाब से यहाँ पर 1.5 इंच तो हमको चाहिए ही इलास्टिक के लिए। तो यहाँ से हमने 1.5 इंच पर निशान लगा लिया है इस तरह से। ये पूरा निशान लगा लिया हमारा, और ये यहाँ से 1.5 इंच छोड़ने के बाद आसन ले लेंगे हम। आसन हम 12 ले लेंगे, यहाँ से 12 हो जाएगा। और यहाँ से हम थोड़ा सा गहराई देंगे, हल्की सी गहराई देंगे, कोई ज़रूरत नहीं है ज़्यादा गहराई की। और यहाँ से हम जितनी हमको मोहरी चाहिए, यहाँ से यहाँ तक जितनी मोहरी चाहिए आप उतना मेजरमेंट कर लो। ऐसे कर लेते हैं हम यहाँ से 6, जितना ढीला रखना है उतना ढीला रख सकते हैं। तो ये यहाँ पर स्टिचिंग के लिए जाएगा, तो 1/2 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे स्टिचिंग के लिए। तो फिर यहाँ पर हम 6 इंचज पर निशान लगा लेंगे। यहाँ पर भी स्टिच होगा, एक पैर में तो निशान यहाँ पर स्टिच आएगा, एक पैर में नहीं आएगा, क्योंकि हमने इस तरह से फोल्ड किया हुआ है 4 पार्ट में। इस तरह से यहाँ 6 इंच पर लेंगे, और कटिंग हम 6 के भी बाहर करेंगे, क्योंकि ये अगर हम ढीला भी करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ से निशान लगाएंगे इस तरह से, तो इसको हम गोलाई में ले लेंगे थोड़ा सा आसन को, ऐसे निशान लगाएंगे यहाँ से, गोलाई आ जाएगी। अब इसको हम कट कर लेंगे। बहुत ही इजी मेथड है इसका भी, क्योंकि ये छोटे बच्चों का है, इसमें कुछ ज़्यादा करना भी नहीं होता है। अब यहाँ से हम इसकी थोड़ी सी कटिंग करेंगे, और यहाँ से थोड़ी सी कटिंग करेंगे। देखिए, मैंने ये इस तरह से ज्वाइन कर दिया है यहाँ पे, और ये इलास्टिक के लिए मैंने यहाँ से फोल्ड कर लिया है। अब इसको हम इस तरह से मैनेज करेंगे, ये देखिए, ये इस तरह से ये यहाँ से स्टिच करेंगे, और इसको यहाँ से स्टिच करेंगे। फिर ये सिक्योर करने के बाद फिर हम यहाँ से स्टिच करेंगे इसको, फिर उसके बाद ही कंप्लीट होगा। ये देखिए, आगे से सिक्योर्ड हो गया ये, और अब ये इलास्टिक हम इसके अंदर डाल देंगे। ये यहाँ से हमने ओपन रखा है, यहाँ से हम ये जो पिन है इसकी सहायता से इसके अंदर हम इलास्टिक डाल देंगे। और उसके बाद ये जो नीचे का जो है इसको स्टिच कर लेंगे यहाँ से इस तरह से। ये देखिए, आगे से सिक्योर्ड हो गया ये, और अब ये इलास्टिक हम इसके अंदर डाल देंगे। ये यहाँ से हमने ओपन रखा है,
यहाँ से हम ये जो पिन अप पिन है इसकी सहायता से इसके अंदर हम इलास्टिक डाल देंगे, और उसके बाद ये जो नीचे का जो है इसको स्टिच कर लेंगे यहाँ से इस तरह से। ये तो फाइनल बाद में डालते हैं, वैसे अभी डाल देती हूँ मैं। तो ये भी स्टिच हो जाएगा थोड़ा, और ये भी स्टिच हो जाएगा, आसानी रहेगी। ये देखिए यहाँ से स्टिचिंग कर दी है यहाँ से, और ये इलास्टिक डाल दिया। इलास्टिक डालने के बाद ये मैंने इसको यहाँ से भी स्टिच कर दिया है। अब ये इस तरह से इसकी फिनिशिंग आई है। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और मेरे आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और मेरे चैनल को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू।